नारियों uh, को स्टडी करे शायद चाइनीज एजुकेशन सिस्टम चाइनीज गवर्नेंस वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है uh. और भारत को वहां तक पहुंचना है क्योंकि चाइना को इतनी ग्रोथ मिली है uh, पैसों की वजह से उन्होंने बहुत पैसे कमाए right. हमें भी पैसे कमाने हैं uh. uh, अगला पॉइंट हमें पैसों के बारे में बात करना चाहिए uh. क्योंकि देखो बहुत सारे uh, भारतीय पेरेंट्स ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं राइट एंड मोस्टली भारतीय पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा पैसे कमाए सम्मान कमाए सोसाइटी में आई फील कि सम्मान भी आप पैसे से ही कमा दो इन मैनीस इन मोस्ट केसेस हमें पैसों की बातें करनी चाहिए थोड़ी लॉट ऑफ पीपल एसोशिएट एजुकेशन ओनली विद मनी आप कुछ कहना चाहोगे पैसों के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन बिल्कुल uh, देखिए दो तरीके की एजुकेशन होती है हुँ. एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन और एक होती है लिबरल एजुकेशन लिबरल एजुकेशन होती है जिसमें आप पढ़ते हो फिलोसफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स ये वो एजुकेशन है जिसको आप अप्लाई करके जॉब में अच्छा काम नहीं कर सकते hmm. ये आपको ग्रो करती है एज ए ह्यूमन बींग ये आपको एक परस्पेक्टिव देती हैं आपका दिमाग खोलती हैं ये चीजें जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो जब फिलोसफी पढ़ते हो पर इससे आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती फिर होती है प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे एम और इंजीनियरिंग hmm. यह आपको वो स्किल सिखाई जाती है जिससे आपको जॉब मिलती है अरे, इंडिया में आज के दिन भी हमें लगता है कि इंजीनियरिंग और एम टॉप के सब्जेक्ट्स हैं ऐसा नहीं है इंडिया की सबसे पॉपुलर डिग्री आज के दिन बैचलर ऑफ आर्ट्स है बी है ओके okay. बी है जिसमें बच्चों को इकोनॉमिक्स कॉमर्स सोशियोलॉजी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एक करोड़ लोग इंडिया में हर साल हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं मतलब कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं एक करोड़ लोग एक करोड़ में से दस लाख इंजीनियर हैं और पाँच लाख लॉयर्स यू नो फैशन एमबीए वाले हैं बचे लाख, लाख, लाख वो 85 लोग या तो बीए कर रहे हैं, या बीबीए ए राइट और जो ये तीन कोर्सेज है ना जो हो सकता है आपके काफी दर्शक भी कर रहे हैं उनके बच्चे कर रहे हो ये तीन कोर्सेज आपको जॉब रेडी नहीं बना पाते एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये तीन कोर्सेज जो है इंडिया में मच्योर नहीं हुए हैं टू प्रिपेयर पीपल फॉर जॉब्स दैट इज वाई इंडिया में जो अनइंप्लॉयमेंट ग्रेजुएट रेट है कि मतलब जो ग्रेजुएट्स हमारे उनका क्या रेट है वो बहुत ज्यादा हाँ hmm. क्योंकि एटी फाइव लाख एक और क्वेश्चन से बताइए कितने लोगों की जॉब लगती है सोचिए <laughs> इसमें से कितने परसेंटेज लोगों की जॉब लगती है दैट पेज मोर देन फाइव लाख रुपीज ऐसा आप भी अपने सोचिए माइंड में गाइज ऐसा लग रहा है कि मैं दस का दम पे आया हूँ <Sorry, sorry. पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नंबर पता है सिर्फ बारह हजार का है वाह मैं एक लाख कहने वाला था बारह हजार बच्चे हमारे जो बीकॉम बीबीए या बीए ए पढ़ के निकल रहे हैं सिर्फ बारह हजार लोग एट्टी फाइव में से उनको पांच लाख से ऊपर की नौकरी मिल पा रही है

जनरली इंडियंस uh, में वो कैपेबिलिटी है कि हम फॉरेन कंपनीज के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं hmm. पर हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्किल hmm. हमें बैटिंग बोलिंग शो ऑफ करनी पड़ेगी दुनिया के सामने करेक्ट फिर uh, लोग आउटसोर्स करेंगे जॉब्स यूट्यूब इंडस्ट्री में काफी सारे लोग hmm. uh, बाहर के प्रोजेक्ट्स को इंडिया uh, से बनवाते हैं हाँ जैसे एडिटर्स एडिटिंग स्टूडियोज फिल्म स्टूडियोज स्क्रिप्टिंग वो सब इंडिया में होने लगी है नहीं बिल्कुल ये चीजें भी बट इंडिया को यदि हमें ग्रो कराना है और हमारे को जॉब्स को ग्रो करवाना है एट द एंड ऑफ द डे हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी सर्विस इंडस्ट्री से सिर्फ इंडिया ग्रो नहीं कर सकता आई फील कि हमें आईटी बूम के बारे में भी बात करना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री रिपीट सर श्योर sure. तो आई बूम के बारे में बताइए क्या हुआ था नाइन्टीज में नाइन्टीज में क्या हुआ कि यूएस में सैलरीज बहुत तेजी से बढ़ने लगी और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो इतना फास्ट इंक्रीज नहीं हो रही थी तो उसकी वजह से जैसे सैलरीज इंक्रीज होती गई और मुझे लग गया कि यार इंडिया में सेम स्किल सेट हमें चीपर मिल सकता है तो उन्होंने इंडिया में जॉब्स आउटसोर्स करना शुरू कर दिया उसी टाइम पे इंडिया में कंपनीज बने लगी जैसे इन्फोसिस एच सी एल ये सब बनने लगी और ये लोग वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से करने लगे उन कंपनीज के लिए तो नाइनटीज टू थाउजेंड्स अर्ली टू थाउजेंड में एक वेव आई जिसमें बैंगलोर डिवेलप हुआ हैदराबाद डिवेलप हुआ पुणे डिवेल्प हुआ इन सिटीज में बाहर की कंपनियों के प्रोजेक्ट किए जाते थे और इंडिया एक आउटसोर्सिंग नेशन बन गई उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया तो ग्रो किया डेफिनेटली बट उस ग्रोथ की एक लिमिट है क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी सैलरीज बढ़ती गई पिछले दस बारह सालों में जो कि बड़ी है वैसे वैसे हम एक्सपेंसिव हो गए अमेरिकन के लिए आउटसोर्स करना hmm. तो आज के दिन अमेरिकन के लिए आउटसोर्स करना इज नॉट एज चीप एज इट यूज टू बी तो हमारा जो कंपेरेटिव एडवांटेज था इंडिया का जिसकी hmm. वजह से हमारे को आई बूम मिला था वो गेम खत्म होने वाली है अब okay. ओके तो अब हमें और एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे पैसा कमाने के मतलब तीस साल के मतलब चली। चली। you know, तो साल उसको भी वो, उसको नहीं कि वो पांच हजार डॉलर दे रहा है जो कि ट्रू था पहले आज के दिन उसको पचास साठ हजार डॉलर देना पड़ रहा है तो इसलिए आउटसोर्सिंग खत्म आई बूम खत्म पांच छह साल और रह महीने अब बात कीजिए आने वाले ट्रेंड्स के बारे में आने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में आई फील कि ये वाला पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एन आई विश की जब मैं कॉलेज में था मुझे एक ऐसा पॉडकास्ट मिलता क्योंकि मुझे बहुत सारे जवाब खुद ढूंढने पड़े इन ऐसे ही कॉन्वर्सेशन से देखिए इसमें ना बहुत सिंपल एक बात है कि यदि आपको एक अच्छी लाइफ बनानी है अपने लिए राइट या तो आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब चाहिए पर यदि आप उस मिडिल जॉब में फंस गए तो आप ये सोचिएगा यार आपको यदि बॉम्बे में घर लेना है जो घर पाँच छे करोड़ रुपए का है तो उसके लिए आपकी सैलरी कितनी होनी पड़ेगी hmm. यदि ये ले, ले, आप आज तीस साल के हैं या पच्चीस साल के हैं और आपको पंद्रह साल में अपना घर चाहिए बॉम्बे में अच्छा सी फेसिंग नाइस यू you नो know, तो आप बैक कैलकुलेशन करना शुरू करो आप देखो कि यार मेरे को उसके लिए मिनिमम एक साल में बीस लाख रुपए सेव करने पड़ेंगे तो मतलब मेरी सैलरी होनी चाहिए सम तीस पैंतीस लाख ये कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जॉब्स जॉब पैंतीस के बाद एक बॉम्बे में hmm. कर सको ना hmm. इंडिया में कितनी ही जॉब्स हैं जो तीस चालीस लाख दे पाती हैं बहुत ज्यादा नहीं है hmm. और आई के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है आई ऑल्सो फील की बहुत सारे लोग ना मीडिया जॉब्स के लिए एम करते हैं ऐसा लगता है कि हाँ जो जॉब प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज में आ गई हमें बस उन्हें टारगेट करना चाहिए ये भी नहीं सोचते हाँ बड़ा नहीं सोच बड़ा सोचना चाहिए बड़ा सोचना चाहिए hmm. और बड़े सोचने के लिए तो एक ही चीज है कि आप ऑंटरप्रिनर बनिए शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किलें आएंगी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि रिस्क है पर ऑन्टरप्रिनरशिप का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा अच्छा है hmm. वो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि जॉब्स अच्छी जॉब्स हाई पेइंग जॉब्स कम ही रहेंगी वो एक दो ही होंगी सो इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ लाइफ फॉर योर यदि आपको अपने लिए एक लाइफ क्रिएट करनी है Uh, जो आपकी ड्रीम्स की लाइफ है उसके लिए आप के लिए शॉर्ट शॉर्ट वे तो एंटरप्रेन्योरशिप ही है आई आल्सो फील कि एंटरप्रेन्योरशिप शायद बहुत लोगों के लिए नहीं है वो एक्सपीरियंस hmm. से पता चलता है जब hmm. आप मैदान में उतरते हो तो आपको पता चलता है कि मे बी आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस गेम फिर आप फॉल बैक ले सकते हो बट hmm. ट्राई तो फिर भी करना चाहिए hmm. मेरा लॉजिक ये है कि एटलीस्ट किसी ऑन्ट्रप्रीनर की कोर टीम को ज्वाइन करना चाहिए हाँ अगर आपको खुद नहीं करना है वो भी ऑन्टरप्रिन जो आप team, क्योंकि कोर टीम में आप सब कुछ कर रहे हो जर्रलिस्ट बन जाते तो। हो पर और क्या करना चाहिए एक पैसों के परस्पेक्टिव से देखिए ऑन्ट्रप्रीनोरशिप ही मेन चीज है आपको एज यू सेट तीन चार चीजें हैं फर्स्ट या तो अपनी कंपनी शुरू करिए यदि आप वो रिस्क उठा सकते हैं कुछ आपकी सेविंग्स हैं कुछ ऐसी भी आप कंपनीज आज के दिन शुरू कर सकते हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का हमारे काफी स्टूडेंट्स भी करते हैं ड्रॉप शिपिंग एज पार्ट ऑफ द कोर्स उसमें वो लोग क्या करते हैं दे ट्राई टू सेल प्रोडक्ट दैट अदर्स आर सेलिंग बट ऑनलाइन एंड फॉर अ प्रॉफिट तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बच्ची ने क्या किया अभी uh, हमारे ना गुड़गांव में एक मार्केट है कॉल्ड बंजारा मार्केट ठीक है जी बंजारा मार्केट एक फ्ली मार्केट है जहाँ पे यू नो गांव के लोग आके अपनी चीज़ें बेचते हैं तो ये लड़की क्या करती थी सुबह बंजारा मार्केट जाती थी वहां से सस्ते में सामान खरीदती थी जैसे कैंडल हो गई छोटे छोटे टेबल्स हो गए कप्स हो गए वो खरीदती थी उसमें ना अपनी ब्रांडिंग करती थी hmm. उसका ब्रांड था ऑफ बंजारा करके तो वो अपना hmm. ब्रांडिंग करती थी उसको थोड़ा वैल्यूबल बनाती थी hmm. आ, नाइस पैकेजिंग करती थी और फिर शाम को साइबर हमें जाके उसको टेन टाइम्स प्राइस में बेचती थी राइट hmm. wow. ये ड्रॉप शिपिंग है एक तरीके से कि यू आर सेलिंग समबड़ी एल्स प्रोडक्ट फॉर अ प्रॉफिट ट्रेडिंग कह लो इसको आप शुरू करने के लिए आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और ये यूएस में बहुत सारे लोग करते हैं यूएस में बहुत सारे लोग करते हैं सोलो प्रोन्योर्स कहते हैं इनको